हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूबी पारिक और क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पॉल्जी के बारे में आपने कभी सुना है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपको पता है कि ये एक हेल्थ रिलेटेड इशू है? अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ के बारे में नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है तो हम आपको इस डिसऑर्डर के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि सुनने में इसका नाम भले ही नॉर्मल बीमारियों से अलग लगे, लेकिन इस डिसऑर्डर में एक पर्सन के लिए नॉर्मली चल पाना, बैठना, खाना और नॉर्मल पोस्चर बनाए रख पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। पूरी दुनिया में 1000 बच्चों में से लगभग 1 से 4 बच्चों में ये पाया जाता है। छोटे बच्चों में होने वाली ये डिजीज अक्सर बर्थ से पहले ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से होती है, और अगर इसके बारे में ज्यादा जाना जाए तो सही प्रिकॉशंस लेकर इस डिसऑर्डर से टाइम रहते डील किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सेरेब्रल पॉल्जी के बारे में डिटेल में जानते हैं। सेरेब्रल पॉल्जी या CP ऐसे डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जो एक पर्सन की मूव करने की एबिलिटी, बैलेंस और पॉस्चर को अफेक्ट करता है। ये बचपन में होने वाली मोस्ट कॉमन डिसएबिलिटी होती है। आपको बता दें कि सेरेब्रल वर्ड ब्रेन से रिलेटेड होता है और पॉल्जी का मतलब होता है मसल्स को यूज करने में होने वाली प्रॉब्लम्स। CP या सेरेब्रल पॉल्जी अब नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से होता है या फिर डेवलपिंग ब्रेन को होने वाले डैमेज की वजह से होता है, जिससे एक पर्सन के लिए अपनी मसल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है। इससे अफेक्टेड ऐसे लोग जिनमें सीवियर यानी गंभीर सेरेब्रल पॉल्जी होता है, उन्हें चलने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और कई केसेस में उस पर्सन के लिए चलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे लोगों को पूरी लाइफ केयर की जरूरत पड़ती है, जबकि ऐसे लोग जिनमें सेरेब्रल पॉल्जी के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा अलग तरह से चल पाते हैं, लेकिन उन्हें चलने के लिए हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। मूवमेंट और पॉस्चर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला CP कई केसेस में इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होना, स्पाइन में चेंजेस होना, जॉइंट प्रॉब्लम्स का होना, विजन, हियरिंग या स्पीच में प्रॉब्लम का कारण भी बनता है। ये सेरेब्रल पॉल्जी डिसऑर्डर कई तरह का होता है और ये डिफरेंट टाइप्स इस बेस पर बनाए गए हैं कि ब्रेन के कौन से एरिया अफेक्ट हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग CP के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पॉल्जी, दूसरा है डिस्किनेसिया सेरेब्रल पॉल्जी, तीसरा है अटैक्सिया सेरेब्रल पॉल्जी और चौथा है मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्जी। आइए हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पॉल्जी। ये सबसे ज्यादा कॉमन CP टाइप है और लगभग 80% लोगों को यही होता है। सेरेब्रल पॉल्जी के इस टाइप में मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, यानी मसल स्टिफ हो जाती है, जिससे मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। जैसे कई लोगों के पैरों में स्टिफनेस आ जाती है तो नॉर्मल तरीके से चलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और कई लोगों के शरीर का केवल एक साइड इससे अफेक्ट होता है, जिसमें हाथों का मूवमेंट नॉर्मल नहीं रह पाता। जबकि सीवियर स्पास्टिसिटी CP में हाथ, पैर, गर्दन और फेस सभी अफेक्टेड होते हैं और ऐसे पर्सन चल नहीं पाते। उन्हें बोलने, सुनने और देखने में भी परेशानी होती है। अब जानते हैं CP के सेकेंड टाइप यानी कि डिस्किनेसिया सेरेब्रल पॉल्जी के बारे में। CP के इस टाइप से डील कर रहे लोगों को अपने हाथ, पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स आती है। ये मूवमेंट्स या तो स्लो हो सकते हैं या फिर फास्ट। उनके लिए बैठना और चलना मुश्किल होता है। कई बार फेस और टंग भी अफेक्ट होती है, जिससे निगलने में और बोलने में भी बहुत परेशानी होती है। ऐसा होने का कारण ये होता है कि डिस्किनेसिया CP में मसल टोन दिन में कई बार बदलती रहती है। कभी टाइट हो जाती है तो कभी बहुत ही लूज हो जाती है। अब बात करते हैं CP के टाइप 3 यानी अटैक्सिया सेरेब्रल पॉल्जी के बारे में। अटैक्सिया टाइप के सेरेब्रल पॉल्जी से डील कर रहे लोगों में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। उनके लिए अपने हाथों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो कभी क्विक मूवमेंट्स जैसे कि राइटिंग करते टाइम हाथ को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है। और CP का 4th टाइप होता है मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्जी। इसमें ऐसे केसेस शामिल होते हैं जिनमें CP के 1 से ज्यादा टाइप्स के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह सेरेब्रल पॉल्जी के 4 टाइप्स होते हैं, जिन्हें जान लेने के बाद अब सेरेब्रल पॉल्जी के सिम्टम्स को समझना भी जरूरी है। आइए डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये सिम्टम्स जानते हैं। सेरेब्रल पॉल्जी के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि इसके 4 टाइप्स होते हैं, जिनमें से किस बच्चे में कौन सा टाइप नजर आए ये एकदम से समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक पेरेंट और गार्जियन के तौर पर अगर बच्चे की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जाए तो पता चल सकता है कि उसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या नहीं।
इसके लिए ये देखना जरूरी है कि बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग करवट लेना, बैठना, खड़े होना और चलने जैसी एक्टिविटीज को आसानी से कर पा रहा है या नहीं। इन बेसिक सिम्टम्स के अलावा अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स पर गौर करें तो 6 महीने से छोटे बच्चे में ये सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाने चाहिए। क्या वो स्टिफ फील करता है? क्या उसे गोद में लेते टाइम उसका सिर ज्यादा हिलता रहता है? और क्या आपकी गोद में आने पर उसके पैर स्टिफ हो जाते हैं? इसी तरह 6 महीने से ज्यादा एज के बच्चे की इन एक्टिविटीज पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या वो करवट ले पा रहा है, क्या वो अपने दोनों हाथ पास ला पा रहा है, क्या वो अपने हाथों को मुंह तक ला सकता है, क्या वो केवल एक हाथ से ही मूवमेंट करता है। तो इसी तरह 10 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या वो क्रॉल करते टाइम केवल एक हाथ और एक पैर का यूज कर रहा है और दूसरी साइड के हाथ और पैर को केवल घसीट रहा है, और क्या वो कुछ अलग तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। अगर जनरल वे में समझे तो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर लगभग एक साल तक के बच्चे अगर अपनी एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल मूवमेंट्स और एक्टिविटीज शो ना करे तो आपको बिना देर किए और बिना पैनिक किए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे की कोई एक्टिविटी थोड़ी स्लो या फास्ट है या औरों से थोड़ी अलग है तो उसे कोई हेल्थ इशू ही हो, बल्कि ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट फेज भी हो सकती है। लेकिन सेरिब्रल पॉल्जी के रिस्क और पॉसिबिलिटीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आइए अब सेरिब्रल पॉल्जी होने के कारणों को भी हम समझते हैं। ये डिसऑर्डर ब्रेन के अबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होता है। इसका रीजन डेवलपिंग ब्रेन का डैमेज होना भी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा अपनी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस अबनॉर्मल डेवलपमेंट या डैमेज के कई कारण हो सकते हैं। कई बार इसका कारण बर्थ टाइम पर ऑक्सीजन की कमी होना समझा जाता है, लेकिन ये कारण बहुत ही कम केसेस में मिलता है। इसके अलावा ब्रेन डैमेज के रीजंस में जीन म्यूटेशंस, मैटरनल इन्फेक्शन, फीटल स्ट्रोक, ब्रेन में ब्लीडिंग, इन्फेंट इन्फेक्शन और हेड इंजरी भी हो सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरी देखभाल हो और टाइम टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट भी किया जाता रहे। ये ब्रेन डैमेज बर्थ से पहले भी हो सकता है और बर्थ के टाइम भी हो सकता है और बर्थ के बाद पहले महीने या पहले साल में भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम में ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा होता है। सेरेब्रल पॉल्जी के कॉज के बाद अब इसके डायग्नोस और इलाज के बारे में भी जान लेते हैं। सीपी डायग्नोस करने के प्रोसेस में बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की टाइम टाइम पर मॉनिटरिंग की जाती है, और अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। इसके बाद मेडिकल इवैल्यूएशन करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इस डिसऑर्डर का कोई भी कम्प्लीट इलाज पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीपी से डील करने वाले बच्चों की लाइफ को इजी और कम्फर्टेबल बनाने के लिए इस तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जिनमें मेडिसिन, सर्जरी, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी शामिल होती है। दोस्तों, हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरिब्रल पॉल्जी डे मनाया जाता है, ताकि इस डिसऑर्डर के प्रति ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जनरेट की जा सके और सेरिब्रल पॉल्जी से डील कर रहे लोगों और उनकी फैमिलीज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा सके। ऐसे में खुद की अवेयरनेस बढ़ाने के अलावा प्रेगनेंसी पीरियड और आफ्टर बर्थ ड्यूरेशन को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है और इस दौरान पूरी देखभाल करना भी जरूरी है। साथ ही ऐसी फैमिलीज को सपोर्ट करना भी जरूरी है जिनमें सीपी डिसऑर्डर से डील कर रहे लोग मौजूद हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको सेरिब्रल पॉल्जी हेल्थ इशू के बारे में तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी, साथ ही अब आप इस डिसऑर्डर से डील कर रहे लोगों को अपना सपोर्ट और कंसर्न भी देना चाह रहे होंगे। ऐसे में अगर ये वीडियो आपको हेल्थ के प्रति अवेयर कर पाया हो तो आप इसे लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस और ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।